अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को एक नए टूल के बारे में बताना चाहता हूं और इस टूल का नाम है कीवर्ड इंस्पेक्टर। अब कीवर्ड इंस्पेक्टर एक टूल है जो हम लोग यूज़ करते हैं कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए। तो अमेज़ॉन के ऊपर आपकी प्रोडक्ट रैंक हो रही है किसी एक कीवर्ड के ऊपर या दो कीवर्ड्स के ऊपर या पाँच कीवर्ड्स के ऊपर या दस कीवर्ड्स के ऊपर, लेकिन यू नेवर, हो सकता है 50 या 100 ऐसे कीवर्ड्स हों जिनके ऊपर भी आप रैंक कर सकते हो और जिनकी मदद से आपकी मजीद सेल आ सकती हो। तो उसकी एक क्लासिक एग्जांपल मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा ऐसी प्रोडक्ट की जो लोग स्पेनिश लैंग्वेज में भी सर्च कर रहे हैं और स्पेनिश लैंग्वेज के उसके भी अपने कीवर्ड्स हैं और लोग उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट नामों में ऐसे ऐसे कीवर्ड्स से टाइप करके ढूंढेंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। एंड यू विल बी अमेज्ड कि जब आपको पता लगेगा कि हमारी ये वाली प्रोडक्ट इन इन कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक हो सकती है और बिक सकती है। तो उसका तरीका ये होता है कि आपकी एक प्रोडक्ट है, आपने उसको रैंक किया, आप बहुत खुश हैं अपनी अचीवमेंट के ऊपर कि आपका ये कीवर्ड जो है आप पहले स्पॉट पे या दूसरे स्पॉट पे रैंक हो चुके हैं। बट समहाउ आप नोट करते हैं कि अगर अगर आप FBA का स्टॉक या अपनी लिस्टिंग किसी फलां कंपेटिटर की लिस्ट के ऊपर अगर वो आपको हंड्रेड में बिक रहा है और आपकी वाली लिस्टिंग पे 100 की सेल हो नहीं रही, तो हम सबसे बेस्ट ASIN कंपेटिटर है जिसकी प्रोडक्ट बेस्ट रैंकिंग में है, उसका BSR बहुत हाई है। आप कीवर्ड इंस्पेक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कि मुझे इस ASIN के ऊपर बताओ कि कौन कौन से कीवर्ड इस ASIN के ऊपर रैंक करते हैं और इस ASIN के ऊपर कन्वर्ट करते हैं। कीवर्ड इंस्पेक्टर आपको सारे कोई 50-100 कीवर्ड्स निकाल के बता देगा कि ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये आपका कंपेटिटर का ASIN जो है, जो लिस्टिंग है, वो रैंक भी कर रही है, उनके ऊपर कन्वर्जन भी हो रही है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल, अच्छा जी, अब आई इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं एक कीवर्ड और मैं इस कीवर्ड को यहाँ टाइप करता हूँ। कीवर्ड है कॉर्न ग्राइंडर, जिसकी मैं पहले भी एक आध एग्जाम्पल दे चुका हूँ आप लोगों को। अच्छा, अब मैंने जब ये कीवर्ड टाइप किया तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि पहले स्पॉट पर ये वाला ब्रांड है जिसका नाम है विक्टोरिया और दूसरे स्पॉट के ऊपर मैं देख रहा हूँ ये ब्रांड है बायोएक्सल और तीसरे पे विक्टोरिया, चौथे पे प्रीमियम क्वालिटी जो भी है। अच्छा, अब इनमें से सबसे बेस्ट रैंकिंग या बेस्ट प्रोडक्ट कौन सी है? अब ये तीन मुझे सिमिलर आइटम्स नजर आ रहे हैं, तीनों एक ही जैसी प्रोडक्ट हैं, एक ही सप्लायर होगा, एक ही जगह से आ रहे होंगे, एक ही फैक्ट्री बना रही होगी और हर बंदा अपना ब्रांड बना के इसको आगे बेच रहा है। तो अब देखना ये है कि इनमें से सबसे बेस्ट रैंकिंग BSR यानी सबसे बेस्ट रैंकिंग कौन सी लिस्टिंग है। अब इस कीवर्ड के ऊपर तो आप देख रहे हैं कि ये नंबर वन है, ये नंबर टू है, ये नंबर थ्री है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई और कीवर्ड टाइप करूं, फॉर एग्जांपल मैं कीवर्ड टाइप करता हूं आयरन कॉर्न ग्राइंडर, ठीक है, ये भी एक कीवर्ड है, ये एक सेकंड कीवर्ड है कॉर्न ग्राइंडर, इस सेकंड कीवर्ड के ऊपर मैं देखता हूं कि अब रैंकिंग में क्या फर्क आ रहा है। अब मैं देख रहा हूं कि ये वाला नंबर वन पे आ गया, ये वाला नंबर टू पर आ गया, ये वाला नंबर थ्री पर आ गया, स्ट्रेला, तो फिर बायोएक्सल किधर गया जो कि नंबर टू पे रैंक कर रहा था कॉर्न ग्राइंडर की उसके ऊपर। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि बायोएक्सल इस वक्त नंबर फोर्थ पे चला गया। तो अब हर कीवर्ड के ऊपर आपकी रैंकिंग हो सकता है, किसी कीवर्ड पे आप नंबर वन हो, किसी के ऊपर नंबर फाइव हो, किसी के ऊपर नंबर 19 हो, किसी के ऊपर नंबर 20 हो। तो अब मैं इस पर्टिकुलर की लिस्ट को पकड़ता हूं, फिर मैं इसको पकड़ूंगा, फिर मैं इसको पकड़ूंगा, मैं देखूंगा कि मेरे इस कंपटीशन के अंदर सबसे बेस्ट रैंकिंग ASIN जो है, जो लिस्टिंग है, वो किस कंपेटिटर की है और उसका BSR क्या है, बेस्ट सेलर रैंक। तो हमने नोट किया कि ठीक है, ये वाली लिस्ट जो है 636 रिव्यूज हैं और ये बहुत जबरदस्त लिस्ट है और ये जो भी कंपेटिटर हमारा ये नंबर 29 पे रैंक कर रहा है इस वक्त इस सब कैटेगरी के अंदर, फूड ग्राइंडर्स एंड मिल्स के अंदर 29th रैंक लिस्टिंग है इसकी, ठीक है, मैं इस ASIN को पकड़ लेता हूं और मैं अब चाहता हूं कि कीवर्ड इंस्पेक्टर मुझे इस
इस एसिन इस पर्टिकुलर लिस्टिंग के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड हैं, ऐसे तमाम कीवर्ड जो इस लिस्टिंग पर लोगों को लेकर आ रहे हैं, उन कीवर्ड्स की मुझे सारी डिटेल दे दे। तो अब मैं कीवर्ड इंस्पेक्टर के पास जाके बोलूंगा कि मैं एक नया सर्च करना चाहता हूँ। कीवर्ड इंस्पेक्टर आपको चार्ज करता है 3 credits, $20 में 100 credits वो आपको चार्ज करता है एक एसिन का रिवर्स सर्च करने के लिए। तो मैं इसको बोलूंगा मुझे न्यू रिवर्स एसिन सर्च करके दो, रिवर्स एसिन सर्च टूल कहते हैं इसको हम लोग। अब यहां पर मैं ये कीवर्ड डालूंगा अपना जो मेरे कंपेरेटर का कीवर्ड है जिसकी BSR बहुत हाई है और मैं चाहता हूं कि मुझे उसके सारे रेलिवेंट कीवर्ड्स का पता लग जाए। उसके बाद मैं यहां पे सर्च में लगा दूंगा। थोड़ी देर के बाद आपको ईमेल आएगी कि मैंने आपका सर्च कंप्लीट कर दिया है। फिर आप रिवर्स एसिन की हिस्ट्री में जाएंगे, वहां से अपनी CSV फाइल डाउनलोड करेंगे एंड दिस इज हाउ द CSV फाइल विल लुक लाइक। मैं अब आपको CSV फाइल दिखाता हूं। अच्छा, अब यहां पर मैं देखता हूं कि CSV फाइल के अंदर जो कीवर्ड इंस्पेक्टर ने जनरेट किया उस मेरे कंपेटिटर के एसिन के ऊपर जनरेट की है। मैं यहां पे देख रहा हूं, ठीक है, ये डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। लोग ग्रेन फॉर मिल्स टाइप करके भी इस लिस्टिंग तक पहुंचते हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि ग्रेन फॉर मिल्स भी कोई कीवर्ड होता है। वाओ, अच्छा जी, ग्रेन मिल्स ग्राइंडर्स, मैनुअल ग्राइंडर ग्रेन्स, कॉर्न एंड ग्रेन मिल, अच्छा ये भी एक कीवर्ड है। तो आपको शॉक लगेगा कि अच्छा ये भी एक कीवर्ड है, अच्छा ये भी एक कीवर्ड है। ऐसे आपको इतने सारे सैकड़ों कीवर्ड नजर आ रहे हैं। लेकिन अब मैं बेस्ट कीवर्ड्स के ऊपर काम करना चाहता हूं। मुझे चाहिए कि मैं चाहता हूं कि टॉप के 10 या 15 कीवर्ड्स का मुझे पता लग जाए और मैं उन कीवर्ड्स के ऊपर अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर दूं। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि अच्छा ये बताओ Amazon एस्टिमेटेड पास्ट मंथ सेल। तो मैं इसको सॉर्ट कर देता हूं। मैंने डेटा फिल्टर लगाया हुआ यहां पे और मैं इसको कहता हूं कि मुझे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, Amazon के अब मुझे यहां से पता लगा कि अच्छा 446 ऑर्डर्स आ चुके हैं Amazon के ऊपर इस कीवर्ड के ऊपर, कंटिन्यूस फीड फूड मेल। अब आपने कभी सोचा था कि कॉर्न ग्राइंडर को लोग इस कीवर्ड से भी ढूंढ सकते हैं? मोलिनोस कोरोना, अच्छा जी ये भी एक कीवर्ड है, स्पेनिश का कीवर्ड है ये और स्पेनिश लोगों की ये फेवरेट प्रोडक्ट है। वो लोग मोलिनोस कोरोना टाइप करके इस कॉर्न ग्राइंडर को अमेजोन पे ढूंढते हैं और जाके खरीद लेते हैं। तो अब मैं ये देख रहा हूं कि अच्छा मोलिनोस कोरोना एक ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर पिछले महीने में 435 ऑर्डर्स आ चुके हैं और 20,000 लोगों की रफली अमेजोन एस्टिमेटेड पास्ट मंथ सर्च वॉल्यूम, यानी कि 20,000 सर्चेस हुई है इस कीवर्ड के ऊपर। तो अब मुझे चाहिए कि अच्छा, और इसका कंपटीशन है सिर्फ 17 listings, सिर्फ 17 listings ऐसी हैं जो मोलिनोस कोरोना के ऊपर इस वक्त अमेजोन के ऊपर लिस्टें दिखाएंगी, इससे ज्यादा लिस्टें भी नहीं है। तो आपका कंपटीशन ना होने के बराबर है। ये एक कीवर्ड है जिसके ऊपर रिजल्ट्स नहीं आ रहे। फॉर एग्जांपल, आपका कंपटीशन बहुत कम है, इसके ऊपर एक एड चल रहा है और वो एड रिजल्ट दे रहा है, जो भी रिजल्ट दे रहा है, किसी ने एडवर्ड लगाया हुआ, यानी कि गूगल का एड लगाया हुआ। तो यहां से आपको पता लगता है कि अच्छा ये भी एक कीवर्ड है, ये कोई बहुत अच्छा कीवर्ड है, यहां से मुझे इतने सारे ऑर्डर आ सकते हैं, ये भी एक बहुत जबरदस्त कीवर्ड है मोलिनो मिल के नाम से। अच्छा, फिर इसका मतलब लोग मोलिनो मिल टाइप करके भी मेरी प्रोडक्ट को ढूंढते हैं और मैं उनको नजर नहीं आता, इसलिए कि मैंने अपनी लिस्ट के अंदर, अपने टाइटल के अंदर, अपने बुलेट पॉइंट के अंदर, अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कभी ये कीवर्ड यूज ही नहीं किया। मुझे पता ही नहीं ये भी कोई कीवर्ड है स्पेनिश का, और जो स्पेनिश सेलर्स हैं उनको इन कीवर्ड्स का पता है, उन्होंने अपनी लिस्टों के अंदर ये वाले कीवर्ड डाले हुए हैं और सर्टेन नंबर ऑफ बायर्स जो हैं वो ये कीवर्ड टाइप करके उनकी लिस्ट तक जाते हैं, प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, उनकी सेल इसलिए ज्यादा है, हमारी इसलिए कम है। तो यहां से आपको बहुत जूसी इंफॉर्मेशन मिलती है और जबरदस्त डेटा आपके हाथ लग जाता है कि ठीक है ये कीवर्ड, ये कीवर्ड, ये कीवर्ड बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं। अब आप कहते हैं कि अच्छा मैं अब अपनी लिस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज करूं कि ये वाला कीवर्ड भी somehow मेरी लिस्ट में आ जाए, ये वाला भी आ जाए, ये वाला भी आ जाए, ये वाला भी आ जाए, इतने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मोलिना ग्रेन, ये भी एक कीवर्ड है, तो मैं अपनी लिस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज करूं? तो हमेशा याद रखें, आप अपनी लिस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी लिस्ट में आता है टाइटल। टाइटल के बाद सबसे सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आपकी लिस्ट के अंदर आती है आपके 5 backend keywords। Amazon आपको 5 backend keywords भी देता है, तो आप अपनी लिस्ट के अंदर जाके 5 backend keywords में अपने फेवरेट 5 backend keywords डाल लें।
फिर तीसरे नंबर पर एमएस आपको बुलेट पॉइंट्स दे रहा है कि आपके पास लेट्स से 5 बुलेट पॉइंट्स हैं। अब आप उन 5 बुलेट पॉइंट्स में बेहतरीन बुलेट पॉइंट्स लिखें और उन बुलेट पॉइंट्स को ऑप्टिमाइज करेंगे अपने कीवर्ड्स के लिए। तो आप लेट्स से आपने 20 कीवर्ड्स आइडेंटिफाई किए हैं, तो आप उन कीवर्ड्स को अपने बुलेट पॉइंट्स में स्प्रेड करेंगे। फिर आखिरी नंबर पे आपके पास आती है आपकी डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अपने कुछ कीवर्ड्स को डालेंगे। तो उससे क्या होगा, अमेज़न जब इंडेक्सिंग करता है तो सबसे पहले तो 2 कीवर्ड वो आपके टाइटल में देख रहा है, उसके बाद वो देख रहा है कि आपकी बुलेट पॉइंट्स के अंदर भी काफी सारे कीवर्ड्स हैं जिनको वो इंडेक्स कर लेगा। उसके बाद वो देख रहा है, अब ये देखें कितने डिटेल, दिस मोलिनो मिल इज अ हाई क्वालिटी आयरन कॉर्न ग्राइंडर कंटिन्यूस फीड फूड मिल। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला भी एक कीवर्ड आ गया है, आयरन कॉर्न ग्राइंडर भी आ गया है, कंटिन्यूस फीड फूड मिल भी आ गया है। तो इस तरीके से आपने बहुत केयरफुली अपने कीवर्ड्स को स्प्रेड करना है अपने बुलेट पॉइंट्स के अंदर, टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर और 5 बैकएंड कीवर्ड्स के अंदर। बहुत ज्यादा कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं कर सकते आप, कीवर्ड स्टफिंग के ऊपर आपको वायलेशन भी आ सकती है। तो आपने अपने आर्टिकल या बुलेट पॉइंट बहुत हाई क्वालिटी के लिखने होते हैं, आपने जबरदस्ती पकड़ के 50 कीवर्ड्स नहीं डालने, यू कांट डू दैट। ऑब्वियसली यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल कि आप बहुत एहतियात से एक हाई क्वालिटी का आर्टिकल लिखते हैं और केयरफुली अपने कीवर्ड्स को उनके अंदर ऑप्टिमाइज करते हैं। तो कीवर्ड इंस्पेक्टर का सबसे अच्छा एडवांटेज है कि आप अपने कंपेटिटर की लिस्ट के ऊपर जाएं और वहां से इनके अगेंस्ट में सारे कीवर्ड्स निकाल लें, और वो सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे जिनके ऊपर आपका कंपेटिटर जो है वो रैंक कर रहा है इस वक्त। तो और फिर उन कीवर्ड्स को आप अपनी लिस्ट को उन कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज करें, एंड देन योर सेल विल डेफिनेटली इंक्रीज। आपकी सेल अगर आप ऑन एवरेज 5 अच्छे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हो रहे हैं और आप अगर लेट्स से महीने के 300 पीस बेच रहे हो इस प्रोडक्ट के, और अगर आपने 20 कीवर्ड्स पे ऑप्टिमाइज कर लिया, तो यू कैन शूट अप स्ट्रेट 1200 ऑर्डर्स पर मंथ फॉर दैट पर्टिकुलर एसकेयू। एक ही एसकेयू के ऊपर आपके 1200 ऑर्डर्स महीने के आने शुरू हो गए। तो ये था कीवर्ड इंस्पेक्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन।